नवरात्रि का सभी को बेसब्री से इंतजार है। नवरात्रि में गरबा की धूम तो होती ही है और उसमें गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक की गीत हो तो फिर क्या कहने। फाल्गुनी की गीत सुन पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। दो साल बाद फाल्गुनी पाठक फिर से बोरीवली के प्रमोद महाजन मैदान पर शो ब्लेड्स इवेंट एंड एंटरटेनमेंट नवरात्रि उत्सव में अपने गीतों से धूम मचाने को तैयार हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद आयोजकों संघ फाल्गुनी ने ये कहा है। देखिए, पिछले 35 साल से जो है हम नवरात्र उत्सव में और मेरी टीम मनाते हैं, और जो कोरोना का जो पहला साल है वो तो बहुत ही मुश्किल गुजरा, क्योंकि इतने सालों बाद पहले साल एक साल जो है नवरात्रि में जो ब्रेक हुआ तो उसे बहुत ही हम सब सैड सब दुखी हो गए थे, मैं और सारे जब गरबा प्रेमी जो खेलने वाले। और दो साल के बाद इस साल जो नवरात्र उत्सव होने जा रहा है तो उत्साह कुछ एकदम आसमान को छू रहा है ऐसा है। यस, ऑफकोर्स नए गाने तो सुनने मिलेंगे ही, और उसके साथ ही साथ जो पुराने फोक नंबर जो है, पुराने के जो गरबे राज जो है उसको हम थोड़ा सा नई तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। फाल्गुनी पाठक एक गुजराती परिवार से हैं जिन्हें खाने पीने का काफी शौक है, मतलब वो कुछ भी मिस कर सकती हैं लेकिन पिज्जा पास्ता जैसी चीजें कभी मिस नहीं कर सकती। गरबा क्वीन के नाम से मशहूर गायिका फाल्गुनी पाठक अपनी गायकी के साथ साथ लुक के लिए भी काफी फेमस हैं। अपने सिंगिंग करियर में फाल्गुनी पाठक ने कई ऐसे गाने गाए जिन्हें इंसान कभी भी सुने तो बोर नहीं हो सकता। इन्हीं चंद पॉपुलर गानों में से एक मैंने पायल है छनकाई भी है। तो फिर हो जाइए तैयार फाल्गुनी पाठक के गीतों पर थिरकने को, क्योंकि नवरात्रों में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वेल फ्रेंड्स, क्या आप नवरात्रि के लिए हैं तैयार? बहुत सारे कमेंट कर बताइए। देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।